दिस इज द पार्ट टू, कंटिन्यूशन ऑफ पार्ट वन. पार्ट वन में हमने कंज्यूमर्स की डेफिनेशन देखी, अलग अलग रीजन देखे एक्सप्लॉयटेशन के. नाउ पार्ट टू में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आप हम समझेंगे. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट लॉज एंड एक्ट मेड एट वर्ल्ड लेवल. यहाँ पर वर्ल्ड लेवल की बात करी गई है फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन. वर्ल्ड लेवल पर कौन कौन से लॉज और एक्ट आए जिससे कि कंज्यूमर का प्रोटेक्शन के बारे में बात की गई है. तो यहां पर हम शॉर्ट से समझते हैं. 15 मार्च 1962 में अमेरिकन प्रेसिडेंट जिनका नाम था जॉन फ्रैंकलिन कैनेडी, उन्होंने प्रेजेंट किए 4 राइट्स ऑफ कंज्यूमर. और वहां पर उन्होंने अपना ओपिनियन दिया कि कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम जो है वो सुनी नहीं जाती है. कंज्यूमर कंप्लेन करते हैं, उनके साथ चीटिंग होती है, लेकिन सुना नहीं जाता उनकी प्रॉब्लम. अब 15 मार्च की बात करते हैं. 15 मार्च को वर्ल्ड के लेवल पे वर्ल्ड कंज्यूमर डे सेलिब्रेट किया जाता है, बिकॉज कंज्यूमर इंटरनेशनल जो है, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक नोटिफिकेशन पास किया था 15 मार्च को रिलेटेड टू राइट ऑफ कंज्यूमर. और इसीलिए 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव. अब हम 16 अप्रैल 1985 की बात करते हैं. यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किए 8 बेसिक राइट एक बिल में, और बिल का नाम था यूनाइटेड नेशन गाइडलाइंस फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन. ये देखिए आपको यहां पर दे रखा है यूनाइटेड नेशन गाइडलाइंस फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कब? 16 अप्रैल 1985 को. और वहां पर इस बिल के हिसाब से यूएन ने रिकमेंड किया कि हर नेशन में, जितने भी नेशन है, वहां पर कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए एक लीगल स्ट्रक्चर जो है वो होना चाहिए. तो ये था लॉज एंड एक्ट एट द वर्ल्ड लेवल. अब हम बात करते हैं लॉज एंड एक्ट एट द इंडियन लेवल. तो इंडियन लेवल की बात करें तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने फॉर्म किया 1986 में नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. 24th दिसंबर की अगर हम बात करें तो उसे सेलिब्रेट किया जाता है एज नेशनल कंज्यूमर राइट डे हर साल. नेक्स्ट है 18th फेब की 1988 की अगर हम बात करें तो गुजरात गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया, वो गुजरात के लेवल पर ही लेकर आए, गुजरात कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1988. और इस प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से जो भी चीटिंग कर रहा है उसके खिलाफ लीगल एक्शन जो है वो लिए जाएंगे, ताकि के कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट जो है वो किया जाए. और 1993 और 2002 में इंडिया ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स या चेंजेस वो लेकर आए अपने लॉज में, अपने कानून में, ताकि के वो कंज्यूमर को और भी अच्छे से प्रोटेक्शन दे पाए. उन्होंने लॉज को काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया. तो ये था लॉज एंड एक्ट एट वर्ल्ड लेवल एंड लॉज एंड एक्ट एट इंडिया लेवल. इसमें काफी ज्यादा डेट्स है, तो डेट जो है वो ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नाउ द अदर टॉपिक इज लेजिस्लेशन. लेजिस्लेशन इज लॉ दैट आर रिलेटेड टू कंज्यूमर राइट्स, लॉज जो कि कंज्यूमर राइट्स से रिलेटेड है. तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने कौन कौन से प्रोविजंस बनाए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में. तो सबसे पहला हम देखते हैं प्रोविजन फॉर कंज्यूमर सर्विसेज, एंड दूसरा जो है वो है प्रोविजन रिलेटेड टू राइट टू कंज्यूमर. तो सबसे पहले दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें कंज्यूमर की डेफिनेशन पूछ सकते हैं. तो दो टाइप से कंज्यूमर को डिफाइन किया गया. सबसे पहला, अगर किसी पर्सन ने कुछ चीज खरीदी है तो उसका पेमेंट किया है, या वो बोल रहा है कि अभी मैं चीज खरीद रहा हूं और आगे जाकर मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, हैज प्रॉमिस टू मेक पेमेंट, और उसने एग्री किया है कि कोई भी दूसरे मोड से वो आपको पेमेंट कर देगा, जो भी उसने गुड्स को खरीदा है एक्सचेंज कर, जो भी गुड्स खरीदा है और कमोडिटी या सर्विसेज जो है वो ली है, तो ऐसे पर्सन को बोला जाएगा कंज्यूमर. नेक्स्ट हम देखते हैं कंज्यूमर का मीनिंग. द पर्सन हु पेज द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट मीन्स जिसने प्रोडक्ट का प्राइस या पैसा जो है वो दिया है, या इधर इन द फॉर्म ऑफ, और वो अगर हायर परचेसेस के बेस पर या इंस्टॉलमेंट्स के बेसिस पर. इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा पैसा जो है हर महीने वो दे, तो उसे बोला जाता है इंस्टॉलमेंट और हायर परचेस बेसिस पर. तो अगर वो इंस्टॉलमेंट के बेसिस पर भी अगर पैसा पे कर रहा है गुड्स को उसने खरीदा है हायर परचेसेस के बेसिस पर, तो ऐसे पर्सन को भी हम कंज्यूमर कहेंगे. नेक्स्ट हम देखते हैं
पर्सन नॉट टर्म एज कंज्यूमर, कैसे पर्सन को हम कंज्यूमर नहीं कहेंगे। तो ये चीज हमने पहले भी समझी थी कि ऐसा पर्सन जो कि गुड्स को कंज्यूम करता है, खुद के लिए खरीदता है, तो ऐसे पर्सन को कंज्यूमर बोला जाता है। जो बाद में बेचने के लिए गुड्स अगर खरीदता है, फिर से उसने खरीदा फिर से किसी और को बेचा, तो ऐसे पर्सन को हम कंज्यूमर नहीं बोलेंगे, बिकॉज वो खुद से कंज्यूम नहीं करता है। तो देखिए, सेल्स अ परचेस प्रोडक्ट और बिजनेस और कॉमर्शियल पर्पस, आगे जाकर वो उसे और बेचने वाला है। प्रोवाइड द गुड्स एंड सर्विसेज, अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, और वो कोई पर्सनल सर्विस एग्रीमेंट में जहां पर वो पैसा ले रहा है नहीं ले रहा है, तो पर्सनल सर्विस एग्रीमेंट में अगर वो गुड्स को परचेज कर रहा है, तो ऐसे पर्सन को हम कंज्यूमर जो है वो नहीं बोलेंगे। और बिकॉज ये कंज्यूमर नहीं है, तो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इस लेजिस्लेशन के अंदर प्रोटेक्शन उसको नहीं होगा, वो यहाँ पर केस नहीं कर सकता, दूसरे मेथड उसको लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव हम समझते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, कंज्यूमर गेट द प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफ राइट क्वालिटी, राइट क्वालिटी का उसे प्रोडक्ट मिले। और वो लॉ ये भी देखता है कि जो राइट जो है वो कंज्यूमर जो है उसके साथ चीटिंग ना की जाए। अब हम देखते हैं प्रोविजन रिलेटेड टू राइट टू कंज्यूमर। तो प्रोविजन रिलेटेड टू राइट टू कंज्यूमर में दे रखा है, जो भी इमोरल या गलत एक्टिविटीज या चीटिंग होती है, जैसे कि अंडर मेजरमेंट, अडल्ट्रेशन, डुप्लीकेशन, चीटिंग, कोई भी लूटिंग होती है, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग राइट्स जो है वो कंज्यूमर के पास आए। एंड दिस इज द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो 6 राइट्स जो है वो आपको दे रखे हैं। सबसे पहला है राइट टू सेफ्टी, नेक्स्ट इज राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल, एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसे हमें अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज एग्जाम में इसके क्वेश्चन जो है वो काफी बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला है राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी इसके नाम से ही पता चल जाना चाहिए, जो भी कंज्यूमर प्रोडक्ट या कुछ भी खरीद रहा है, वो प्रोडक्ट्स जो है वो गुड क्वालिटी के होने चाहिए। जैसे कि वो मेडिसिन ले रहा है, तो मेडिसिन लेने से उसे कोई भी रिएक्शन या नुकसान नहीं होना चाहिए। तो कंज्यूमर के पास पूरा राइट है कि जो भी वो गुड्स खरीद रहा है उससे उसको सेफ्टी मिले। नेक्स्ट इज राइट टू गेट इन्फॉर्मेशन। तो कंज्यूमर के पास पूरा राइट है कि जो भी प्रोडक्ट वो खरीद रहा है वो पैकेट में सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे कि क्वालिटी कैसी है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, कितना वेट है, कितनी कैपेसिटी है, वो प्योर है या नहीं है। जैसे गोल्ड की बात करें, 24 कैरेट गोल्ड है, कौन कितने प्योरिटी है उसमें, क्लास, स्टैंडर्ड यूसेज, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है कंज्यूमर को खरीदते टाइम उसके पास पूरा राइट है कि एक प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और जब भी हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो ये हमने देखा ही है कि हम जो है चेक कैसे करते हैं, प्रोडक्ट के लेबल से, पैकेट के पैकिंग से, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमारे पास पूरा राइट है कि हम सारी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोडक्ट के बारे में ले सकते हैं, कोई भी मना नहीं कर सकता। नेक्स्ट है राइट टू चूज। राइट टू चूज मीन्स हमारे पास पूरा राइट है कि हम अपने मर्जी से जो हमें प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, जिस प्राइस में हमें अच्छा लग रहा है, हमारी मर्जी से हम प्रोडक्ट जो है वो खरीद सकते हैं। कोई भी जबरदस्ती, कोई भी सेलर जो है वो जबरदस्ती हमें प्रोडक्ट जो है वो नहीं बेच सकता। तो कंज्यूमर के पास पूरा राइट है चूज करने का वैरायटी ऑफ गुड्स, जो भी उसे रीजनेबल दाम लग रहे हैं, कोई भी सेलर जो है वो जबरदस्ती उसके साथ नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज राइट टू बी हर्ड और राइट टू रिप्रेजेंट। मीन्स अगर कंज्यूमर को के साथ एक्सप्लॉयटेशन या चीटिंग होती है, तो उस इस राइट से कंज्यूमर के राइट्स और इंटरेस्ट उसके अच्छे के लिए उसके उसे प्रोटेक्ट किया जाता है, उसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और उसकी प्रॉब्लम जो है वो कंसिडर्ड की जाती है कि उसके साथ चीटिंग हुई है। और कैसे वो कर सकता है, वो अगर उसके साथ चीटिंग हुई है तो वो कोर्ट्स में जाकर केस कर सकता है। अलग अलग कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बने हैं, वहां पर जाकर वो केस जो है वो कर सकता है। तो उसके पास पूरा राइट है कि उसके साथ अगर चीटिंग हुई है तो उसे सुना जाएगा और उसको केस जो है वो रिप्रेजेंट किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट या अलग अलग कोर्ट्स में। नेक्स्ट इज राइट टू सीक रिड्रेसल। रिड्रेसल मीन्स सॉल्यूशन। अगर किसी के साथ चीटिंग हुई है तो उसके पास पूरा राइट है कि उसका उसको कंपेंसेशन या पेमेंट मिले, जो भी उसको नुकसान हुआ है। कंपेंसेशन हमें अच्छे से याद रखना है, जो भी नुकसान हुआ है, जिससे भी हुआ है, जिसने भी उसका नुकसान किया है, उससे वो अमाउंट जो है वो ले सकता है जितना भी नुकसान हुआ है। तो दिस इज राइट टू सीक रिड्रेसल।
अगर किसी ने फेक क्वालिटी का प्रोडक्ट उसे बेच दिया है तो कंज्यूमर के पास पूरा राइट है कि वो फेक क्वालिटी उससे का प्रोडक्ट जो है वो उससे एक्सचेंज करा सके। नेक्स्ट इज राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो कंज्यूमर के पास पूरा हक है कि उसे पूरी नॉलेज जो है गवर्नमेंट के थ्रू या स्कूल्स के थ्रू या करिकुलम्स के थ्रू जो है उसे पूरी नॉलेज मिलनी चाहिए। उसके अगर स्टार्टिंग से ही अगर स्कूल से ही बच्चों को सारी नॉलेज मिल जाए तो हो सकता है कि इन फ्यूचर वो कंज्यूमर जो है वो अच्छे से प्रोडक्ट खरीदे, उसको पूरा नॉलेज हो और उसके साथ चीटिंग नहीं हो। तो ये है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, जहां पर कंज्यूमर को के पास पूरा राइट है कि उसे एडुकेट किया जाए रिलेटेड टू प्रोडक्ट और सर्विसेज, जिससे कि उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन ना हो। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यूटीज ऑफ द कस्टमर। हमने राइट्स तो देख लिए, अब हमारे भी कुछ जिम्मेदारियां बनती है। ऐसा नहीं है कि हमें राइट्स दे रखे तो हम कुछ भी करें, तो यहाँ पर हमारी भी जिम्मेदारियां या रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी बनती है कि परचेज के टाइम पर हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या हमारी ड्यूटीज है। तो सबसे पहला है ड्यूटी टू बी अवेयर। अवेयर मीन्स जब भी हम प्रोडक्ट खरीद रहे तो हमें खुद ही अवेयर रहना पड़ेगा कि इसकी क्वालिटी क्या है। हम पैकेज का चेकिंग करेंगे कि इसका वेट कितना है, वो एक्चुअली इतना वेट का है या नहीं है, उसकी क्वालिटी सही है या नहीं है। और जब भी हम प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं तो हमें ये सारे मार्क जो है वो कंपलसरी देखने हैं, ये प्रोडक्ट वेज है नॉन वेज है, जो कि मार्क्स से हम पता लगा सकते हैं। तो जब भी हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो ये सारे मार्क्स जो है वो हमें खुद ही ध्यान रख के प्रोडक्ट को खरीदना है। तो नेक्स्ट है ड्यूटी टू चूज केयरफुली। हम हमारे पास पूरा राइट टू चूज है, हम अपने हिसाब से जो भी हमें रीजनेबल रेट्स लग रही है उस हिसाब से हमें प्रोडक्ट को चूज करना है। तो यहाँ पर ये दे रखा है उसके पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस होते हैं, कहीं से भी वो कोई भी प्रोडक्ट जो उसके लिए अच्छा है, जो उसे कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन देगा, तो उसकी ड्यूटी है कि वो केयरफुली कोई भी प्रोडक्ट को चूज करे। नेक्स्ट इज ड्यूटी टू आस्क फॉर बिल। ये एकदम ईजी है, जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो कंज्यूमर की ड्यूटी है कि वो बिल्स को का पूछे कि मुझे जो है इस प्रोडक्ट का बिल कंपल्सरीली चाहिए ही। अगर वो बिल नहीं दे रहा है तो हमें उससे प्रोडक्ट जो है वो खरीदने ही नहीं चाहिए, बिकॉज इन केस अगर उसके साथ चीटिंग या फ्रॉड होती है तो हमारे पास एज अ एविडेंस जो है वो बिल रहता है, कौन से डेट को परचेज किया, कितनी रेट में किया, कहां से खरीदा, उसका एड्रेस क्या, तो इसीलिए प्रूफ जो है हमारे पास रहना चाहिए। तो बिल जो है हमें हमेशा लेना ही चाहिए सेलर से। नेक्स्ट हम देखते हैं ड्यूटी टू कंप्लेन। मीन्स अगर हमारे साथ चीटिंग हुई है तो हमें हमेशा कंप्लेन तो करनी ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि इतने साल का तो प्रोडक्ट है हम क्या कंप्लेन करें। तो ड्यूटी है कंज्यूमर की कि अगर उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन या चीटिंग हुई है तो वो वर्बल ओरली या रिटन कंप्लेन जो है वो ऑफिसर और कंज्यूमर डिपार्टमेंट को करे। नेक्स्ट इज ड्यूटी टू स्पीक आउट। यहाँ पर आपको ये दे रखा है जब भी वो परचेज को प्रोडक्ट करता है तो अगर उसे तुरंत पता चल जाता है कि प्रोडक्ट जो है वो अडल्ट्रेटेड है, उसने मिलावट कर रखी है, डुप्लीकेट है, फेक है, अंडरवेट है, तो तुरंत उसे सेलर को ये चीज जो है वो इन्फॉर्म करना चाहिए, उसके नोटिस पे लाना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट जो है वो उसके अंदर कुछ ना कुछ अडल्ट्रेशन, डुप्लीकेशन या फेक प्रोडक्ट है। अगर ट्रेडर जो है वो इस कंप्लेन को सॉल्व नहीं करता है तो उसे कंज्यूमर को जो मैन्युफैक्चरर है जहां से प्रोडक्ट आ रहा है वहां पर कंप्लेन करनी चाहिए। और वहां पर भी अगर मैन्युफैक्चरर जो है वो हमारी कंप्लेन को इग्नोर कर रहा है तो हमें कोर्ट के दरवाजे जो है वो खटखटा देने चाहिए ताकि के ये जो चिटिंग हो रही है उसको कंट्रोल किया जाए। नेक्स्ट इज ड्यूटी टू बी अवेयर। तो ये वही पॉइंट है, जब भी हम प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं तो हमें पूरी तरीके से अवेयर रहना चाहिए। जब भी कोई वेट किया जा रहा है तो वेजिंग स्केल पे हमें देखना चाहिए कि एक्चुअली में सही वेट है या नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हमें अच्छे से चेक करने हैं और कंज्यूमर शुड मेक श्योर कि जो भी इक्विपमेंट जो है वो टेस्टेड है, कोई भी प्रोडक्ट जो वेजिंग मशीन जो है वो डुप्लीकेट नहीं है और उसके अंदर कोई भी चीटिंग जो है वो नहीं की जा रही है। नेक्स्ट इज नॉट टू कॉम्प्रोमाइज। तो कंज्यूमर जब भी प्रोडक्ट खरीद रहा है तो उसे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, हमेशा उसे अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट जो है वही खरीदने चाहिए, स्पेशली इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम जहां पे हो सकता है कि उसे इलेक्ट्रॉनिक शॉक जो है वो लग जाए, वो दाम तो कम देख लेगा और प्रोडक्ट जो है वो खराब आ जाएगा तो उसे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक शॉक जो है वो लग सकता है। तो हमें कभी भी परचेजिंग के टाइम पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, हमेशा गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स ही खरीदने चाहिए।
नेक्स्ट इज टू अवॉइड अननेसेसरी परचेसेस, हमें जितना खरीदना है उतना ही हम खरीदें, अननेसेसरी वेस्टेज जो है वो ना करें हमारे पैसों का, जितनी जरूरत है हम उतना ही खरीदें। तो हमारी ड्यूटी है कि हम अननेसेसरी परचेसेस जो है वो ना करें, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही खरीदें। नेक्स्ट इज ड्यूटी टू चेक, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, जब भी हम पेट्रोल भरवाने जाते हैं या केरोसिन खरीदते हैं तो पेट्रोल भरवाने के टाइम पर हमें हमेशा देखना है कि वो मशीन पे जहां से पेट्रोल आ रहा है वहां पर 000 जो है वो इंडिकेट किया गया है या नहीं किया गया। जब भी घर पे गैस सिलेंडर्स आते हैं तो हमें देखना है कि वो एकदम सील पैक्ड है या नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जहां पर कंज्यूमर जो है वो प्रोडक्ट खरीदता है तो उसे इन बातों का ध्यान अच्छे से रखना है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर थियोरी टॉपिक, ड्यूटीज जो है वो हमें एग्जाम्स में काफी बार पूछते हैं। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द पार्ट टू ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस, जहां पर हमने अलग अलग टॉपिक्स देखे, राइट्स देखी, ड्यूटीज देखी और ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे। राइट्स एंड ड्यूटीज जो है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसे हमें अच्छे से याद रखना है। आई होप आपको सारे टॉपिक्स जो है वो क्लियर हो गए।